तू फिर भाई ये क्या गाना है भाई। मेरे को लगभग लगभग कितने दिन, मेरे ख्याल से 10 दिन या फिर 9 दिन हो गए हैं मेरे को ये गाना सुनते हैं, और मेरे एप्पल म्यूजिक में टॉप पे है और मेरे यूट्यूब पे टॉप पे। खुलते ही सबसे पहले प्लेलिस्ट वही आती है, शिकायत। ओ भाई बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है भाई ये, अगर तुमने सुन लिया तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं सुना है तो भाई मत सुनना मत सुनना, आदत पड़ जाएगी तुम्हें, फिर मेरे को मत बोलना बाद में, ठीक है। तो अभी सीन ऐसा है कि मैंने अभी अभी एक व्लॉग अपलोडिंग पर लगाया, बहुत ही फालतू था, बहुत ही ज्यादा फालतू। मतलब मैं उठा था बस कैमरे के आगे बात करने लग गया, वो कुछ नहीं है, उसके लिए मेरे को गाली पड़ेगी शायद। अभी तक तो आप लोगों ने देखा नहीं, अभी तक तो देख लिया होगा वैसे, जब तक ये वाला व्लॉग अपलोड होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूं सौरभ धीमान और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी, पर अभी सीन ऐसा है कि 1 बज रहा है तो गुड आफ्टरनून हो रहा है अभी, तो चलते हैं। तो भाई आज मेरे को 2-3 काम है, जैसे कि मेरे को अभी मेरी बाइक की चेन लूप करनी है, और यहाँ पे और मेरे को अपने फ्रेंड से मेरी रिंग लाइट लेके आनी है, क्योंकि कल मेरा फोटोशूट है एक क्लाइंट के साथ, तो उसके लिए मेरे को रिंग लाइट चाहिए। मतलब कोई ह्यूमन का फोटोशूट नहीं कर रहा मैं, कोई प्रोडक्ट है जिसका फोटोशूट करना है मुझे, और मैं ऐसी चीजें करता रहता हूँ। तो कॉन्टेक्ट करो मेरे इंस्टाग्राम पे, पीस आउट। और अभी जो चेन लूप बता रहा हूँ ना मैं, उसके लिए मेरे को सबसे पहले चेन लूप बोला, और उसके बाद चाहिए मुझे ब्रश, टूथ ब्रश जो होता है वो भी करूंगा, और चेन लूप करना जरूरी है भाई। शोरूम वाले भी कह रहे थे कर लो ना, सूखी बड़ी है तो हम करेंगे भाई। ये अपनी बाइक ठीक है, और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम चेन लूप करो घर पे और तुम्हें मम्मी से नहीं पीटना, मम्मी से पिटाई नहीं खानी है, तो ऐसा एक कट्टा ले आना ताकि वो स्टैंड से वहाँ पे बिछा पाओ, जो भी गंदा हो वो इस पे आए, तो ये ले आना, पिटने से बच जाओगे। और इसके लिए थैंक यू, मेरे को बाद में बोल देना आप, कोई बात नहीं। ऐसे करके बिछाना तुम्हें ताकि स्टैंड से कवर अप हो जाए ऐसे, और जो भी गंदा गिरे वो इस पे गिरे। और इसके बाद तुम्हें एक और एडवाइस देता हूँ, ऐसा ब्रश चाहिए तुम्हें एक, ताकि तुम चेन साफ कर पाओ। तो भाई अपने पास चेन लूप रेडी है, ये एड लूप का है चेन क्लीनर, और इसी का चेन लूप है मेरे पास। और जब भी तुम चेन साफ करो तो बंद करके करना, स्टार्ट करके नहीं, स्टार्ट करके स्प्रे मारते सिर्फ, ठीक है भाई। देखो तुम जो भी करोगे चेन लूप के साथ, स्टार्ट करके मत करना, वरना तुम्हारी उंगलियां गायब हो सकती है, क्योंकि ये फ्लाईव्हील घूम रहा होता है। तुम ऐसे साफ करोगे कपड़ा यूं खींचेगा और उंगली कटने के चांसेस है, तो मत करना प्लीज। बाकी ये ब्रश से मैंने साफ किया, देखो कैसा था ब्रश और कैसा हो गया, एक सेकंड फोकस रहा, ये देखो बिल्कुल ब्लैक। चेन अपनी क्लीन हो गई है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ूंगा मैं इसे, उसके बाद जाऊंगा और पेपर का हाल तुम देख सकते हो नीचे, ये गंदा और जो छींटे पड़े वो अलग। फिर चाहिए तुम्हें एक कपड़ा, साफ कपड़ा, बाइक बंद करके, अभी भी कह रहा हूँ बाइक बंद करके करना है। कैसे करना है, ये जो चेन है यहाँ पे इसको यूं पकड़ के और टायर घुमाना है, स्टार्ट में मत करना वरना तुम्हारी ऐसे उंगली फंसेगी या अंगूठा फंसेगा ऐसे, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा एक सेकंड, ऐसे करके इसमें फंसेगा और टूट जाएगा ऐसे, ये फंसेगा और कट जाएगा। तो देखो कितनी गंदी निकलेगी अभी चेन, अभी देखो मैं अकेला बंदा हूँ ना तो एक साथ कर करके दिखा नहीं सकता, समझा करो, साफ करके मिलता हूँ। तो भाई उसके बाद बारी है चेन लूप की, पर उससे पहले मैं तुम्हें कपड़े का हाल दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये कुछ हाल हुआ है भाई, ये देख सकते हो इतना ज़्यादा गंदा, हाथ भी थोड़े गंदे हो गए और लेफ्ट वाला भी गंदा हो गया थोड़ा सा। बस ऐसे ही धीरे धीरे साफ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तो मैं आराम से साफ करो, कहीं जाना तो है ना, पर मुझे जाना है ना। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल बहुत ठंड थी भाई, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक, मतलब 24 साल की उम्र में, मैंने अभी तक इतना ज़्यादा कोहरा नहीं देखा है भाई, बाई गॉड भाई, घर के बाहर निकलते इतना तगड़ा धुंध, माय गॉड भाई, बहुत ठंड थी भाई कल, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसके बाद मैं चेन लूप वगैरह कर रहा था, फिर मैं अपने फ्रेंड के पास गया था लाइट लेके आया था, मैंने खाना वाना बनाया था, हाँ कल मैंने खाना बनाया था रात में डिनर, ओ चुम्मेश्वर, और एक हाथ इस वजह से नहीं उठा रहा अभी, मैं ठंड हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मैं यकीन नहीं हो रहा मेरे को। चलो छोड़ो ये सब फालतू की बात है, देखो चेन लूप करना मैंने बता दिया तुम्हें चेन लूप कैसे होता है, ठीक है। GT में नहीं, सिर्फ हर एक बाइक में चेन लूप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना चेन सूख जाती है, ठीक है, उसके बाद वो रस्टेड खाने लग जाती है, रस्ट खाने लग जाती है, ठीक है।
और उसके बाद उसके अंदर ना रिंग होते हैं, छोटे 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 रिंग होते हैं जो बाद में खराब होने लगते हैं और उसकी वजह से चेन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और एक चेन ही ऐसी चीज है जिसमें हमें कहीं पे जा रहे हैं और टूट जाए तो हम जुड़वा नहीं सकते, नियर बाय कहीं पे भी कोई बंदा नहीं होता ऐसा चेन वाला, ठीक है, पंचर हो जाता है, रिम हो जाता है, एक्सीलेटर वायर हो जाती है, सब हो जाती है, पर एक चेन ही है उसका ख्याल रखना पड़ता है। हर 500-600 किलोमीटर पे कर लो तो ज्यादा बेटर है, वरना तुम 1000 पे भी कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं लगता है मुझे फिलहाल। पर मेरी बाइक थोड़ी पावरफुल है, इस चक्कर में मुझे 500 पे करना पड़ता है। तो अपनी चेन लूप हो गई है, और प्लीज चेन लूप जब भी करो बंद करके करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है वो, आप लोगों के हाथ में लग सकती है, मेरे हाथ में भी लग सकती थी, इसलिए मैं ऑफ करके कर रहा था। चेन क्लीनर तुम स्टार्ट करके मारो, ठीक है, चेन लूप तुम स्टार्ट करके मारो, जो बीच का प्रोसेस है ना कपड़े से साफ करने वाला, ब्रश से साफ करने वाला, वो तुम बंद करके करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ना टायर घूम रहा होता है भाई, और एक सेकंड लगना है कि यू कट मारेगा वो, और कोई भी उंगली फंसी वो तुरंत गई है, और शायद चीख भी ना निकले तुम्हारी, कुछ सेकंड में ही हो जाएगा वो काम ना। तो इस वजह से प्लीज बंद करके करना जो करोगे। और ऐसे करते फिलहाल इस व्लॉग के लिए इतना, लगता है अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखिए अपनों का, अपना बाय बाय, मतलब बाय बाय। और ये पता नहीं, एक सेकंड, ये पता नहीं क्या हो रखा है, डेली व्लॉग के नाम पे ये एक एक पार्ट दिखा रहा हूँ मैं, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। ये 29 तारीख है ना भाई, नहीं आज 28 है, जो आप व्लॉग देख रहे हो आज 28 है। बाय बाय।